हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। अभी हमारा सफ़र शुरू हुआ है जो कि लेह से पेंगोंग के लिए है। सुबह में हम 4 बजे ही निकल गए थे और अभी 5 बज रहा है और पूरा सनराइज़ हो चुका है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी पेंगोंग लेक। एक बार ये वैली देखो कैसा लग रहा है, फिर आगे चलते हैं। ये देखो दोनों तरफ पहाड़ और लोग बीच में बसे हुए हैं और लिटरली खेती करते हैं भाई इजीली। और ये रोड है। तो पेंगोंग जा रहा हूँ और ये रोड पेंगोंग के लिए काफी शानदार बना हुआ है। रोड के मामले में अभी इस साइड पे बहुत अच्छा हो गया है, कहीं कहीं पे खराब है, बट अभी पेंगोंग जाते टाइम पे तो अभी कोई ख़राब पैच मिला नहीं है। अभी स्टिल 100 किलोमीटर अप्रॉक्स बचे हुए हैं, बट रोड अभी तक सही मिला। अभी 50 किलोमीटर चल चुका हूँ, रोड अभी एकदम सही है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हम अभी दुर्बुक होके जा रहे हैं और लेह में हमारा स्टे था, तो वहाँ से सबसे इजी वे है दुर्बुक होके, और ये रास्ता भी काफ़ी बढ़िया है। तो अगर लेह में स्टे करते हो तो दुर्बुक होके जाओ, वहाँ से मैप में सीधे डालो, 149 किलोमीटर अप्रॉक्स दिखाएगा और आप इजीली जा सकते हो। ऐसा रोड मिलेगा आपको जो कि अभी बहुत सही लग रहा है। और हमने जो भी आपको बोला था कि 50 किलोमीटर्स तक रोड सही है, वो 50 किलोमीटर्स तक ही सही था। तुरंत मेरे को ऐसा रोड मिला है और देखते हैं कब तक ये पैच ऐसा मिलता है, ख़राब वाला रोड। यहाँ से देखो दोस्तों पहाड़ कितना सही दिख रहा है, पहाड़ इस तरह। ये देखो वाइट, उधर धूपा पड़ना स्टार्ट हो गया है और अपने को सनराइज तक नहीं दिखा। ये कुछ ऐसा रोड है और राइट साइड पे देख ही लिया होगा आपने। लगातार हम लोग हाइट पे चल रहे हैं भाई लोग, और मेरा थोड़ा थोड़ा सांस फूल रहा है, थोड़ा थोड़ा। तो पहला वाटर क्रॉसिंग मिला है दोस्तों, ये जो पेंगोंग जा रहा है उसमें, और इधर भी ब्लैक आइस मिल रही है जमी हुई थोड़ी थोड़ी, जो कि रोड पे दिख नहीं रही है और चक्का स्किप कर जा रहा है समटाइम्स। तो अगर इधर आओ तो ध्यान से चला रहे भाई, और खासकर 2-व्हीलर वाले ध्यान से देखो, इसमें थोड़ी थोड़ी व्हाइट कलर की जो दिखती है। तो गाइस हालत ख़राब हो रही है, एक तो सांस की कमी और अभी 4x4 हमने डाल दिया है और पूरा ब्लैक आइस जो है बिछा हुआ है रोड पे, और बहुत स्ट्रगल है इस रोड पे चलने की। पत्थर भी गिरने के चांसेस हैं, देख लो पूरा ब्लैक आइस भरा हुआ है। हमने 4.5 लगा दिया है और ये ऐसा है कि आपको दिखेगा नहीं, बहुत मिनिमल सा दिखेगा, बट ये बहुत डेंजरस होता है। मेरा चक्का जितना पे चल रहा है गाड़ी नच रहा है, ना पे चल नहीं पा रहा है। चक्का घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, स्पीड स्लो है तो समझ लो क्या हो रहा होगा, स्किड कर रहा है ये। बीच में एक स्तूपा मिला है अपने को और यहाँ पे इसका हाइट वाइट तो नहीं लिखा हुआ है, बट ये काफी हाइट पे है। ये रोड देख सकते हो, ब्लैक आइस विथ वाटर, और इतना स्ट्रगल 4x4 लगा के हमने गाड़ी को, वो भी लो लगा दिया है भाई, इधर रिक्स नहीं लेना है। मुझे लगा था इधर रोड तो एकदम सही होगा,
बट ये रोड पे ही नदी बह रही है। लिटरली 45 मिनट से एक नंबर गियर पे चल रहा हूँ और ये रोड का कंडीशन देखो, और चक्का स्कीड कर रहा है वो अलग से है भाई साहब। लेफ्ट लेना है अगर मान के चलो कि 15 डिग्री ना आता, इसको 30 डिग्री पे मोड़ो तब जाके 15 डिग्री मुड़ेगा, क्योंकि स्किड करके वो घींच के ले जा रहा है दूसरे साइड पे। और इतना फन आ रहा है ना दोस्तों कि मन कर रहा है उस फन को कुचल दूं बहनचोद, समझ रहे हो, इतना फन आ रहा है। और ये लिटरली चढ़ना है, देखो अभी भी ब्लैक आइस पे साला गाड़ी चढ़ाना है, रियल स्ट्रगल गाड़ी का और मेरा भी साला, मेरा तो सांस फूल रहा है भाई। ये देखो हम लोग 17,586 फीट पे हम लोग हैं और काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है दोस्तों। ये यही पास है वो जो कि टॉप पे है, चांगला डेथ चांगला, और पता नहीं ये कुछ बना रहे हैं यहाँ पे हैवी सा, और सामने वही दिख रहा है आपको जो देखना चाहिए जमा हुआ। साइड में लिखा एक्सट्रीम एल्टीट्यूड रिसर्च स्टेशन, अच्छा तो ये रिसर्च स्टेशन है एक्सट्रीम एल्टीट्यूड का, काफ़ी हाइट पे है ये पॉइंट। ये देखो पूरा जम चुका है, वो पूरा जम चुका है, उस पर आप गाड़ी भी ड्राइव कर सकते हो। बाकी भी रोड ठीक हो गया है दोस्तों, सामने देख लो, तो चलते हैं जितना जल्दी हो सके पहुँचने की कोशिश करते हैं। जो अपनी गाड़ी है उसे पानी टपक रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ये देखो, बर्फ दिख रहा है, ये जम गई है गाड़ी में। वही सोचूं कि ये आके देखो इस साइड पे भी गाइस, यहाँ से अराउंड 10 किलोमीटर ही रह गए हैं पैंगोंग लेक, तो 10 किलोमीटर के बाद तो आ जाएगा फाइनल डेस्टिनेशन, हमारा नज़दीकी है। ऑफ रोडिंग चालू हो चुकी है दोस्तों, पूरा रोड धस रहा है। पता नहीं ये रोड भी है कि नहीं, तो गाइस देख सकते हो पैंगोंग लेक हम लोग पहुंच चुके हैं, और वेलकम टू मॉडल विलेज उड़ांग लिखा हुआ है, यही लेक है पैंगोंग लेक। देखता हूँ किधर से ज्यादा बेटर दिखाई देता है, बंद कर पहले बंद कर। देख सकते हो भाई साहब इतना ब्लू तो लाइफ में नहीं देखा मैंने, कोई समुद्र भी इतना ब्लू नहीं देखा मैंने, क्या लग रहा है भाई साहब। मैं अभी आज़ाद यादव इस ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं, और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पैंगोंग लेक, और इसकी खूबसूरती मैं बयान नहीं कर सकता क्योंकि इतना ब्लू तो आज तक मैं समुद्र भी नहीं देखा आज तक मैंने, और काफ़ी ब्लू है, क्लीन है, और जैसे समुद्र में लहरें चलती उस तरह से चल रही हैं।
इतना क्लीन है। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्त, उधर से रोशनी पड़ रही है सूर्य की। और इसको अनकट रखूंगा थोड़ा देर ताकि आप लोग कुछ ज़्यादा ही देख पाओ। साइड साइड में चल रही हूँ, कोशिश करूँगा नीचे भी एक बार ले जाके दिखाने का। साथ के साथ पेंगोंग लेक का मजा लीजिए आप लोग, और हम गाड़ी ड्राइव करते हैं, देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। तो गाइस अभी हम पेंगोंग लेक पे नीचे उतरने जा रहे हैं, यहाँ से गाड़ी उतार रहा हूँ। सामने आपको पेंगोंग लेक दिख रहा होगा, और बीच में एक बोट चल रही है, वो आर्मी की है। एक राइट साइड पे भी आगे बोट चल रही है, पेट्रोलिंग बोट है, और एक पीछे बीच में दिख रही होगी राइट साइड पे, एकदम राइट साइड पे देखो वहाँ पे दिख रही है बोट, और एक बोट ये पीछे से जा रही है। तो ये जो बोटें हैं ये पेट्रोलिंग के लिए होती है, और चाइना का बॉर्डर बगल में ही है। फिंगर फाइव जो होता है हमारा, पांचवा तक है, सबसे लास्ट बीच में जो एकदम जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ तक अपना है, और उसके बाद चाइना का पड़ जाता है। हाय, ऐसा कुछ है पेंगोंग लेक दोस्तों।
तो ये ब्लॉग कैसा लग रहा है आपको बताना है कमेंट करके। और ये लास्ट रहेगा लेह से, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं पैंगोंग, यहाँ पे लास्ट है, यहाँ से वापस जाएंगे। और वापस जाते हुए भी जो भी अगर रिकॉर्ड करने का होगा, दिखाने का होगा, जरूर दिखाएंगे। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि एक बार ज़रूर यहाँ पे आएँ दोस्तों। और द थिंग इज़ दैट कि लद्दाख अगर आ रहे हो यहाँ पे नहीं आए तो वर्थ इट नहीं है। आप ले से 149 किलोमीटर के डिस्टेंस पे स्थित है ये, तो आप आ सकते हो दुर्बुक होते हुए। पर्सनल व्हीकल है तो ज़्यादा बेटर है, और यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हो। बहुत खूबसूरत है, आई मीन मतलब मेरे पास अपने एक्सप्लेन करने का। चलिए और कुछ मिलता है तो दिखाता हूँ, और सब्सक्राइब कर देना।